दोस्तों, मैं हरकी सुंदर जी आज आपके लिए लाया हूँ एयर पावर कार, जो कि हवा से चलती हुई कार है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। एयर पावर कार बनाने के लिए हमें चाहिए दो ईवा शीट के ऐसे टुकड़े, एक फैन, दो वुडन स्टिक, दो छोटे व्हील, दो बड़े व्हील, चार रबर बैंड, दो स्पोक के टुकड़े, दो स्ट्रोक के टुकड़े, एक मोटर, एक बैटरी, दो ऐसे ईवा शीट के टुकड़े, कार्डबोर्ड के टुकड़े और दो सेल। चलिए अब हम इसे बनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे उसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जब फैन घूमता है, बैटरी की मदद से फैन घूमता है तो कार जो है वो चलती है। ये जो ऑटो पावर कार है इसमें साइंस के कुछ नियम लगते हैं, उसमें जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि नियम ये कहता है कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का कुल जो है, कुल ऊर्जा पृथ्वी पर जो है उसका नाश नहीं किया जा सकता और उसमें नई ऊर्जा का मिलावट नहीं किया जा सकता, मतलब पूर्ण ऊर्जा में कोई और ऊर्जा मिलाई नहीं जा सकती है। तो जो ऊर्जा है उसको एक से दूसरे में हम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक ऊर्जा में से दूसरी ऊर्जा में हम रूपांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब ऑटो पावर कार चलाई तो उसमें जो बैटरी लगाई है उसके अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है और विद्युत ऊर्जा जो है उसका रूपांतरण गति ऊर्जा में होता है और उस गति ऊर्जा की मदद से जो फैन है, पंखा जो है वो गोल गोल घूमता है। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का गति ऊर्जा में रूपांतरण होता है और जब फैन घूमता है तो वो फैन घूमने के बाद जो पीछे जो हवा है वो हवा पीछे धकेलाती है, मतलब पीछा पीछे धक्का लगाती है और वो पीछे धक्का लगने की वजह से प्रेशर बढ़ता है और उस प्रेशर की वजह से जो कार है वो आगे की ओर चलती है और वो जो प्रेशर डेवलप होता है उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो उसमें लागू होता है। वो नियम ये कहता है इन फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो थर्ड लॉ है उसकी वजह से जो कार है वो आगे चलती है। तो यहाँ पे जो ऑटो एयर पावर कार है उसके अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम,
और प्रेशर, ये जो तीन सिद्धांत है वो काम करते हैं तो एयर पावर कार जो है वो चलती है। तो आप भी घर पे इसे बना सकते हैं अगर आपके पास बैटरी है और मोटर है, और उसे तार के साथ जोड़ के आप कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके भी ये कार बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।